पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने राज्यसभा की टिकट अनंत महाराज को दी है। अनंत महाराज के खिलाफ टीएमसी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। अनंत महाराज का नाम सामने आने से सब हैरान रह गए। पहले ये चर्चा थी कि बीजेपी आलाकमान सौरव गांगुली पर दाम लगाने वाले थे, लेकिन आखिरकार काफी सोच समझ कर अनंत महाराज पर बीजेपी ने दाम लगाया। अनंत महाराज हैं कौन और आखिर बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा क्यों भेजा है? अनंत महाराज का नाम पश्चिम बंगाल से बाहर तो कम लोगों ने ही सुना होगा। उन्होंने करीब दो दशक पहले खुद को कूचबिहार का स्वयंभू राजा घोषित कर दिया था। अनंत महाराज कूचबिहार और आसपास के इलाकों में बसे राजवंशी समुदाय के निर्विवाद नेता हैं। वहीं इससे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अनंत महाराज का समर्थन मिला था। अनंत साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में मंच पर मौजूद थे। उसके पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के दूसरे नेताओं की चुनावी रैलियों में शामिल होते रहे हैं। कोच राजवंशी समुदाय की आबादी उत्तर बंगाल में कूचबिहार के अलावा जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद में फैली है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर बंगाल में कोच राजवंशी की आबादी करीब 30% थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत महाराज के समर्थन की वजह से बीजेपी यहां की 8 में से 7 सीटें जीतने में सफल रही थी। अनंत महाराज के नाम पर मुहर बीजेपी ने पंचायत चुनाव के नतीजों को देखने के बाद लगाई है। पंचायत चुनाव के नतीजों में उन इलाकों में भी बीजेपी को समर्थन नहीं मिला जहां विधानसभा और लोकसभा में भगवा पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। इसलिए पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद ही बीजेपी आलाकमान ने अनंत महाराज के नाम पर मुहर लगाने का फैसला लिया है। अनंत की पार्टी ग्रेटर कूचबिहार पीपल्स एसोसिएशन भी एनडीए में शामिल है। भले ही अनंत महाराज के दम पर बीजेपी कोच राजवंशी समुदाय का समर्थन हासिल करना चाहती है, लेकिन अनंत महाराज के साथ एक विवाद भी जुड़ा है। दरअसल अनंत लंबे समय से ग्रेटर कूचबिहार नामक अलग राज्य की मांग करते रहे हैं। ऐसे में बंगाल के दूसरे हिस्से में अनंत महाराज अलोकप्रिय हैं। ऐसे में बंगाल के दूसरे हिस्सों में बीजेपी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी को बंगाल के अलावा असम में भी राजवंशी समुदाय के समर्थन की जरूरत है। इधर बीजेपी को लगातार समर्थन देने के बदले अनंत महाराज को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। नतीजतन राजवंशी समुदाय में असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। इसलिए अनंत महाराज को राज्यसभा में भेजकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। इससे अनंत महाराज के एहसानों का बदला भी उतर जाएगा और अगले लोकसभा चुनाव में राजवंशी समुदाय का समर्थन भी पक्का हो जाएगा। खैर, बीजेपी अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होगी ये तो 2024 के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यूवाइव नेटवर्क।